देखिए तीन संख्याओं का अनुपात 4, 5, 6 है तथा इनका औसत 15 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब देखिए माना कि अनुपात बराबर x तो कितना हो जाएगा 4 है 5 है तो यहाँ हो जाएगा 4x अनुपात 5x अनुपात 6x तीनों अनुपात में है इसलिए माना कि अनुपात x 4x 5x और 6x। देखिए x मान लिए x का मान निकालने के लिए अब यहाँ से देखिए प्रश्न से फोर एक्स है तो औसत 4x प्लस 5x प्लस 6x बटा के औसत के मतलब कुल संख्या के योग बटा कुल संख्या के योग 3 हुआ है पूरा औसत कितना दिया हुआ है था इनका औसत 15 है तो औसत बराबर 15 यहाँ लिख देंगे औसत बराबर कुल संख्या के योग बटा कुल संख्या अब बराबर 15 दिया हुआ है 15 कर दिए तो 6 गुना कर देंगे यहाँ ना कुछ होता तो होगा 6 गुना कर देते हैं तो 5 4 9 9 6 यहाँ 15 हो जाएगा 15x बराबर 15 गुना 3 यहाँ पर हो जाएगा तो 15 3 45 हो जाएगा यहाँ से यहाँ गुना यहाँ से यहाँ गुना x कर देते सबके जोड़ दिए 5 4 9 9 6 15। अब देखिए अब x बराबर इधर छोड़ देंगे बाकी 45 छोड़ दिए यहाँ पर गुना में तीसरा डाकें भागा में हो जाता है यहाँ 15 लिए थे ठीक है। अब देखिए 15 15 3 45 कितना गया x बराबर 3 आ गया। अब देखिए हमको सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 6x है तो सबसे सबसे बड़ी संख्या बराबर 6x 6x के मान 3 आ गया छुतिया 18 सबसे बड़ी संख्या हो गया 18। सबसे छोटा पूछता तो 4x में गुना कर देते x में तो हो जाता 24। इसमें सबसे बड़ी संख्या कितना है तो 18 हो गया ये आंसर हो गया।